सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिलाई प्रतिनिधियों को शपथ, चार जिलों के प्रधान उप प्रधान हुए शपथ समारोह में शामिल। एक्स सर्विसेज मैन सदर इकाई मंडी ने मनाया सेना दिवस, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। नीलकंठ अस्पताल मंडी में अनुभवी डॉक्टर देंगे अपनी सेवाएं, शुभारंभ मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया गया आयोजित। और मंडी में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने लिया भाग। मंडी शहर में सिख धर्म के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव से पूर्व एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सिख धर्म के साथ अन्य समुदाय के लोगों ने भी भागीदारी दर्ज करवाई और गुरु महिमा का गुणगान किया। आपको दिखाते हैं इस विशाल शोभा यात्रा की कुछ झलकियां। सिख इतिहास में हुए दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी का गुरुपुरब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कल गुरुद्वारा साहब में मनाया जाएगा। कल उनका जो जन्मदिवस है, गुरुपुरब है, गुरुपुरब के रूप में मनाया जाता है। पूरी मंगई निवासी संगतें जो हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इकट्ठे होकर मनाती हैं। उसके उपलक्ष्य में आज एक शोभा यात्रा का नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशासन ने बहुत मदद की है और मंगई शहर के निवासियों ने भी हमारी बहुत मदद की है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 350 साल आगमन गुरपुरब के संबंध में कार सेवा प्रबंधक संत बाबा लाभ सिंह जी, जो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के स्थान तो नगर कीर्तन आरंभ होया, जिस बैंड वाजे लड़ी कॉलेज स्कूल के बच्चे, गुरु गोबिंद सिंह बंगला स्कूल के बच्चे,
कोटा बाहू रेहड़ू आदुवाल रूट पर बस चलाने के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन अभी तक इस मार्ग पर बस सेवा चालू नहीं करवाई गई है। इससे रेहड़ू अंद्रौली भटौली खंडरूवाल आदुवाल गांव के लोगों को यातायात सुविधा नहीं मिल पा रही है। नालागढ़ पंजेहरा वाया रेहड़ू आदुवाल रूट पर बसें चलने के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन लोगों को मीलों पैदल चलकर पंजेहरा पहुंचना पड़ रहा है। लोजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि अगस्त महीने में स्थानीय लोगों ने एसडीएम के माध्यम से परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा था, जिस पर परिवहन मंत्री ने बस को चालू करने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अभी तक इस बस को चालू नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि झीड़ीवाला से महादेव तक संपर्क मार्ग तो बना हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। लोगों को इस सड़क के बनने से कोई फायदा नहीं हुआ है। वहीं इस मामले पर एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश धीमान ने बताया कि उन्होंने परिवहन विभाग से इस रूट के लिए परमिट मांगा है। जैसे ही विभाग की ओर से रूट परमिट मिल जाएगा, वैसे ही बस सेवा को चालू करवा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बालीचौकी के गांव खुलखनाल के रहने वाले रूपचंद ने के चैनल के साथ अपनी आपबीती साझा की। रूपचंद की किडनियां खराब हैं, जिसके चलते उनकी एक किडनी पहले ही निकाल दी गई है, लेकिन उनकी दूसरी किडनी भी खराब है, जिसके कारण कई बार डायलिसिस करवा चुके हैं, लेकिन रूपचंद ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। रूपचंद ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले किडनी डोनर की तलाश कर रहे हैं, ताकि वह अपनी जिंदगी आराम से जी सके। मंडी जिला के बालीचौकी के रहने वाले रूपचंद एक गरीब परिवार से संबंधित हैं, जिसके कारण रूपचंद को किडनी का इलाज करवाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रूपचंद ने के चैनल की टीम को बताया कि उनका 7 बार ऑपरेशन हो चुका है और उनकी एक किडनी पहले ही निकाल दी गई है। उन्होंने बताया कि किडनी के इलाज के लिए उन्होंने कई लोगों से आर्थिक सहायता भी ली है, जिसके कारण उनके सिर पर कई लोगों के कर्ज का भार भी है। उन्होंने के चैनल के माध्यम से ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले किडनी डोनर की तलाश की है। सर, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मैं 3 साल से बीमार है, दोनों किडनी खराब है, एक निकाल चुकी है सर पीजीआई में और दूसरी भी खराब हो चुकी है, तो इसका खर्चा बहुत भारी है सर। अभी इलाज कहाँ चल रहा है और डॉक्टर ने क्या कहा है? सर, पहले तो शिमला में इलाज किया, शिमला से पीजीआई किया, पीजीआई से गुड़कर में किया 1 साल सर, उसके बाद जनरल हॉस्पिटल में किया सर। तो 2 बच्चे हैं सर मेरे पास, छोटे छोटे घर में रखे हुए हैं, और मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं सर, एक किडनी निकाली हुई है। अभी भी आप इलाज करवाना चाह रहे हैं, इलाज करवाने में क्या परेशानी आ रही है? पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए सर, बहुत बड़ी समस्या हो रही है पैसे की। मम्मी डैडी बुद्ध हैं, उनको कर्जा बहुत भारी है लोगों का सर देने के लिए, तो बड़ी समस्या हो रही सर, तब जाके मैं हेल्प लेना चाहता हूँ लोगों से, कोई दानी सज्जन हो जाए, कोई कर्मचारी कोई ठेकेदार, उनसे कोई हेल्प लेना चाहता हूँ। ये समस्या बहुत भारी हो गई सर, बड़ी खतरनाक बीमारी है सर, 3रे दिन 2,500 रुपये चाहिए, या पैसा नहीं हो तो सर इलाज नहीं हो सकता इसका। मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह क्या करूँ मैं, और जब भी 2 बच्चे हैं मेरे साथ और उनको घर में छोड़ा है और खुद इनके साथ चली हुई होती है, आज 7 दिन मंडी में हुए, खर्चे की बहुत प्रॉब्लम है और इनके साथ भी आने के लिए कोई नहीं होता है, और मम्मी डैडी जो है बूढ़े हैं वो घर में है, एक किडनी निकाली हुई है पहले और दूसरी को इन्फेक्शन हुआ है, और इलाज चला है जनरल हॉस्पिटल में। क्या चाहते हैं सरकार और लोगों से, क्या चाहते हैं? लोगों से हेल्प चाहती हूँ, सरकारी कर्मचारियों से भी जो हेल्प हो सकती है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जब तक रूपचंद को किडनी नहीं मिलती, तब तक रूप को डायलिसिस करवाते रहना पड़ेगा और इसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि रूपचंद एक गरीब परिवार से है और इनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। रूपचंद घर में कमाने वाले भी अकेले हैं, लेकिन अब किडनी की समस्या के कारण रूपचंद की जिंदगी में कहर टूट चुका है।
कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार यूं ही जारी रहेंगी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलान शॉल, फैदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA Traders लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे वन पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को वन पीस। MA Traders लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम मंडी। कहते हैं अगर दिल में कुछ करने की ख्वाहिश हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इसी की मिसाल दी है हिमाचल के चंबा जिले के जुलाह कड़ी मोहल्ला की 8 साल की मनत बियाल ने। माता पिता की प्रेरणा से 3 साल पहले जूडो कराटे का परीक्षण शुरू करने वाली मनत की मेहनत रंग लाई है। दिखाते हैं आपको ये एक रिपोर्ट। महज 8 साल की आयु में मनत को ब्लैक बेल्ट की उपाधि से नवाजा गया। हाल ही में कांगड़ा में आयोजित कैंप के दौरान मनत को ब्लैक बेल्ट की उपाधि मिली। मन्नत की सफलता से उसका परिवार बेहद खुश है। इतनी छोटी उम्र में ऐसा मुकाम हासिल कर चंबा का नाम आगे बढ़ाया है। राइजिंग स्टार स्कूल चंबा में 3री क्लास में पढ़ रही ब्लैक बेल्ट मन्नत दयाल के अनुसार 3 साल पूर्व दिल्ली में एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था। तब से उसके माता पिता उसकी काफी चिंता करने लगे। उन्होंने उसी समय मन्नत को जूडो कराटे सीखने की प्रेरणा दी। मन्नत के कोच धीरज के अनुसार मन्नत ने ब्लैक बेल्ट का टेस्ट पास किया। चंबा की यह लड़की पूरे भारत में सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्ट बनी है। आज के परिवेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए लड़कियों को विशेषकर इस कला में निपुण करने का कार्य धीरज कर रहे हैं। वहीं युवाओं को भी इस कला से जोड़ा जा रहा है। चंबा में जूडो कराटे का प्रशिक्षण ले रही एक अन्य युवती नीलम के अनुसार वह पिछले 10 साल से इस कला से जुड़ी है और कई अवार्ड ले चुकी है। नीलम ने सभी लड़कियों को संदेश दिया है कि लड़कियां काफी मजबूत हैं। वहीं नीलम ने मन्नत के जज्बे को भी सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। शिमला में पीलिया फैलने के बाद अश्वनी खड्ड से बंद की गई पेयजल सप्लाई के चलते शहर में जल संकट विकराल हो गया है। खड़ से IPH के जरिए मिलने वाली पेयजल सप्लाई को लेकर नगर निगम इनकार कर चुका है, लेकिन नगर निगम के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वह इस परियोजना की भरपाई कर लोगों को पानी मुहैया करवा सके। पीलिया फैलने के बाद अश्वनी परियोजना के पानी में सीवरेज की गंदगी मिक्स होने पर नगर निगम ने IPH से पानी लेना बंद कर रखा है। फिलहाल शहर के अन्य हिस्सों की पेयजल आपूर्ति का समय आधे से भी कम रखा गया है। यह सिर्फ अस्थाई व्यवस्था है ताकि शहर की जनता पीलिया के प्रकोप से बची रहे। अभी तक यह व्यवस्था कारगर साबित हो रही है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी और अधिकतर परिवार शिमला पहुंचेंगे तो पानी की किल्लत दोगुना हो जाएगी। अभी भी जिन क्षेत्रों की सप्लाई का समय काटकर अश्वनी परियोजना से फीड होने वाले क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति की जा रही है
वहां लोगों को तीसरे दिन पानी मिल रहा है। नगर निगम को अभी नहीं सही, लेकिन आने वाले समय में इसी खड से पानी की सप्लाई को लेना पड़ेगा। कोटी और ब्रांडी स्रोतों से जो साफ पानी सप्लाई करने का विकल्प सोचा जा रहा है, उसे जमीनी स्तर पर उतारने में काफी वक्त लगेगा। आईपीएच के चीफ इंजीनियर आरएम मुकुल ने कहा कि अश्वनी खड में ट्रीटमेंट प्लांट सहित पेयजल परियोजना की रिपेयर का कार्य चल रहा है और बार बार पानी की सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सैंपल में पानी स्वच्छ और सुरक्षित आने के बाद ही शहर को पेयजल आपूर्ति की जाएगी और आईपीएच गुम्मा से भी अतिरिक्त पानी लिफ्ट कर पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि ब्रांडी और कोटी नाले से पानी सप्लाई के प्रस्तावित प्रोजेक्ट को विभाग स्टडी कर रहा है। नगर निगम के एमए विजय गुप्ता ने कहा कि फिलहाल एक दिन छोड़कर शहर की आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि सर्दियों में पानी की कम खपत होती है, लिहाजा अभी पेयजल किल्लत उतनी विकराल नहीं है, लेकिन स्कूलों में जब छुट्टियां खत्म होंगी तो पानी की खपत दोगुना बढ़ जाएगी। ऐसे में पानी की मांग पूरा करना प्रशासन के लिए खासा मुश्किल होगा और आम लोग भी परेशान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी शहर के हॉस्पिटल रोड पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नीलकंठ अस्पताल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर निशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया। वहीं लोगों को अनुभवी डॉक्टर की टीम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। आज हमने हॉस्पिटल रोड पे नीलकंठ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और आज हमने फ्री चेकअप कैंप रखा हुआ है, आज 15 तारीख को, जिसमें ENT स्पेशलिस्ट, मैं मेडिसिन से रिलेटेड पेशेंट्स देखूंगा, एक डॉक्टर स्किन वाले डर्मेटोलॉजिस्ट वो एग्जामिनेशन करेंगे और साथ में चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अमितेश दिल्ली से आए हैं, वो मुफ्त में मरीजों का चेकअप करेंगे। और हमारे यहाँ आज के दिन अभी तक हमने 35 से 40 पेशेंट देख चुके हैं जो कि दूर दराज क्षेत्र से भी आए हुए हैं। चिकित्सा शिविर जिसमें कि हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट्स का, उसमें हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, शुगर वाले पेशेंट्स और विभिन्न बीमारियों वाले पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो उनको हम कैसे इलाज किया जाए, क्या क्या सुविधाएं इस अस्पताल में हैं और हम क्या क्या उनके बारे में कर सकते हैं, उनकी जानकारी पूरी तरह से दे रहे हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, मुझे यानी शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिलाई प्रतिनिधियों को शपथ, 4 जिलों के प्रधान उप प्रधान हुए शपथ समारोह में शामिल। एक्स सर्विसेज मैन सदर इकाई मंडी ने मनाया सेना दिवस, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। नीलकंठ अस्पताल मंडी में अनुभवी डॉक्टर देंगे अपनी सेवाएं, शुभारंभ मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया गया आयोजित। और मंडी में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने लिया भाग।